लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें आपके अपने चैनल हरियाणा लाइव 24 को। खरखौदा अखाड़े के पहलवानों ने झटके के मेडल। दिल्ली रोड खरखौदा बाईपास पर बनी दीनबंधु छोटू राम अकेडमी के पहलवान मनवा रहे हैं अपने हुनर का लोहा, जो कि भारत के सरी जोगिंदर पहलवान की देखरेख में प्रैक्टिस करते हैं और देश प्रदेश में अपना व अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के कोच प्रवेश राठी ने बताया कि हमारी अकेडमी के पहलवान दिल्ली में हुई क्रेडिट चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम में गोल्ड व 110 किलोग्राम में सिल्वर लेकर आए हैं, जो कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अभी चैंपियनशिप चंडीगढ़ और गुड़गांव में हुई, खिलाड़ियों का अखाड़े में पहुँचने पर फूल मालाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। सभी खबरों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम प्रवेश राठी है, मैं यहाँ पे कोच हूँ, NS क्वालिफाइड हूँ और हमारे अखाड़े का नाम दीनबंधु छोटू राम रेसलिंग एकेडमी है, जो कि दिल्ली बाईपास चौक पे स्थित है और यहाँ के अखाड़ा संचालक हैं जोगिंदर पहलवान जी, भारत केसरी। और अभी जो लेटेस्ट में जो दो प्रतियोगिता हुई है, एक तो दिल्ली में कैडेट चैंपियनशिप हुई है, उसमें हमारे टोटल दो मेडल आए हैं। एक गोल्ड आया है 71 kg में सागर का और एक 110 kg में सिल्वर मेडल आया। ये दोनों के दोनों नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जो कि प्रतियोगिता एक तो चंडीगढ़ में होनी है और दूसरी नेशनल चैंपियनशिप होनी है अपना गुड़गांव में। उसके बाद लास्ट मंथ में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी हरियाणा की रोहतक में, उसमें हमारा एक गोल्ड मेडल आया था रोहित का 77 kg ग्रीक रोमन में। और अभी जो कल परसों में ही एक कैडेट हरियाणा चैंपियनशिप हुई है, उसमें भी हमारे दो मेडल आए हैं, 92 kg में एक सिल्वर आया है, एक ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो अभी इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया है, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। अभी देखो जैसे इन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन कर यहाँ पे मेडल प्राप्त किए हैं, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो इसको बरकरार रखेंगे परफॉर्मेंस को। अभी कुछ खिलाड़ी जो है मेडल लेके आपके अखाड़े में आए हैं? हाँ, कुछ अभी खिलाड़ी जो हैं अभी स्टेट चैंपियनशिप में जिनका सेलेक्ट ये मेडल आया और नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, उनका अखाड़े में पहुंचने पे स्वागत किया गया।